थे, हैं। मकान इनका इस समय रुका हुआ था, कुछ पैतृक आवास प्लॉट है जिसको ये अपनी बड़ी बहन को देना चाहते थे, ऐसा पत्नी को शक था। वो बोलती थी कि अपने नाम करा लो, ये नहीं करा रहे थे, ये भी विवाद था। इनका एक दिन पूर्व मोबाइल छिन गया था, उसकी इन्होंने सूचना नहीं करी 100 डायल को भी, किसी को नहीं बताया। इस पर भी पत्नी से विवाद हुआ था, बच्चे के कथन से सब सामने आई बात। और सुबह चाय बनाने को लेकर के इन्होंने बोला चाय बनाओ, उन्होंने कहा कि हम चाय नहीं बनाएंगे, इस बात पर विवाद हुआ। उन्होंने सील लोढ़ा, लोढ़ा से लेकर के इन्होंने मार करके उसकी हत्या कर दी थी। लोढ़ा भी हमारे कब्जे में है, उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि इनके द्वारा ही मर्डर किया गया है, उनको भी है। सबसे महत्वपूर्ण सुराग लगा, ये सब शुरू से ही झूठ बोलते रहे। घर से 100-200 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे में ये कैद हैं, ये ऑफिस जा रहे हैं, इसके बाद लौट रहे हैं, फिर 9 मिनट बाद बैक हो रहे हैं। इसका इनके पास अभी तक याद नहीं आया है कि उस दिन हम कहाँ गए 9 मिनट। Day 1 से इस बात को इनकार कर रहे हैं कि हमें याद नहीं है, मेरे दिमाग से ये बात स्लिप कर गई है। इसी पे पुलिस को शक हुआ, फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी रही। अंत में मायके पक्ष का बयान और सारी तथ्यों से जब इनसे हम लोगों ने पूछताछ की तब इन्होंने कबूल किया कि हाँ, मेरे द्वारा इनकी हत्या की गई है, इनको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस की पड़ताल में कोई CCTV फुटेज का भी एविडेंस है? हाँ, वो तो हमारा मुख्य एविडेंस है, CCTV एविडेंस तो हमारा मुख्य एविडेंस है। मौके पर जो घटना उस वक्त दर्शाई जा दिख रही थी उसमें लूट की भी चर्चा थी, क्या ऐसी कोई बात आई? ये तो इनके द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई है ताकि प्रथम दृष्टया लगे कि लूट के हिसाब से एक घटना की गई है, जबकि वो महिला खुद ही इनके बयानों से स्पष्ट है कि वो कभी खोलती नहीं थी दरवाज़ा, और दूसरे के जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है वहाँ पे, दरवाज़ा टूटा नहीं हुआ है, खुला हुआ है। इन्होंने घटना करके ही ऑफिस के लिए प्रस्थान किए हैं और फिर बीच में जा करके थोड़ा बहुत लूट का मामला है वो सब सीन क्रिएट इन्होंने किया है।